उसको तीन लड़कियां और लड़के को बड़ा करने का, उनको गोद में रखने का, ले जाने का, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब काम माता जी करती करती उन सबको बड़ा किया। यानी छोटी उम्र में वो माँ का पात्र अदा कर रही थी, 100 साल पे पहुंच रही है, तो उसने क्या झेला होगा, इसकी कल्पना शब्दों में प्रदर्शित करना ये आज की है। जिस माँ ने परिवार के लिए हर मुश्किल परिस्थिति में सकारात्मकता की मुस्कान के साथ सब कुछ संभव करके दिखाया, हर जन्मदिन पर उन्हीं माँ हीराबा के पास जाकर आशीर्वाद अब तक प्रधानमंत्री लेते आए। 100वें वर्ष में जब माँ खुद प्रवेश कर चुकी थी, तब इसी साल अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री माँ के पास नहीं पहुंच पाए। विकास कार्यों की सौगात देश को जो देनी जरूरी समझी। ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आम तौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन जून महीने में इसी साल मां के जन्मशती वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेने पहुंचे और तब उन्होंने कहा, जब आज लोग माँ के पास जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो माँ का जवाब बड़ा गहरा होता है। माँ उन्हें कहती हैं कि जितना आपको गर्व होता है, उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो तो भगवान का है। माँ हर संतान के लिए संबल होती है, मुश्किलों के उफान से बचाने वाली चट्टान होती है। उन्हीं से आखिरी जन्मदिन तक कर्तव्य की कुंजी प्रधानमंत्री पाते रहे। जिस बारे में मां के निधन के बाद लिखते हुए पीएम ने बताया कि मैं जब अपनी मां से 100वें जन्मदिन पर मिला था, तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। उसी मंत्र का नतीजा रहा कि देश में गरीबों के लिए घर की योजना हो या महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाने की उज्ज्वला योजना, देश की हर माँ की समस्या को समझने की शक्ति माँ हीराबा से ही नरेंद्र मोदी पाते रहे। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था, और माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो, लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे, ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं।